सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी बुद्धम सरण गच्छामि। संगत नमामि। आज संघ के सामने एक नया ये जिम्मेवारी है। समन संघ के लिए ये जो मुझे दी गई है ये एक जिम्मेवारी है, ना ये कोई उपाधि है, ना ये कोई, कई लोग ने यहाँ शब्द प्रयोग किया कि बहुमान, तो ये कोई बहुमान भी नहीं है। मेरे लिए तो ये संघ की मैत्री है। जो संघ यहाँ बैठा है वो संघ ने मुझे मंगल मैत्री दी, और ये मंगल मैत्री से मेरा स्वास्थ्य इतना काबिल हो जाएगा कि मैं संघ का कार्य तन मन धन से कर सकूं। मुझे प्रकृति इतनी शक्ति दे कि आज जो समन संघ ने मेरे पर जो विश्वास रखा है, जो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। संत तो बहुत लोग अपने अपने नाम के साथ लगा देते हैं और उनके कर्म कुछ और होते हैं, लेकिन मेरे कंधों पर समन संत की जो परंपरा पुरातन काल से चली आ रही थी उसको निभाने का जिम्मेवारी मेरी है। समन संघ का जो विश्वास है उसे परिपूर्ण करने के लिए मैं अपने पूरा प्रयत्न करूंगा। पंचशील का मुझे पालन करना है। विपश्यना किया था मैंने, विपश्यना साधना करने गया था, तब से मुझे पंचशील का अनुभव हुआ। और सेंटर में ऐसे मैंने एक दो नहीं, कई शिविर की, 15 शिविर कर दी है, उसमें कई बार सेवा भी दी है। तो जब हम लोग विपश्यना सेंटर में रहते हैं तो भिक्षु का जीवन जीते। वहाँ पर हमारा जो मैं है वो खत्म हो जाता है, अहम है वो खत्म हो जाता है। और आज जो भी गुण मेरे में है, आज जो भी लोग मेरे बारे में यहाँ जो बता रहे थे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये विपश्यना की देन है। विपश्यना ने मुझे एक आम आदमी से एक सच्चा मानव बना दिया। मैं एक ऐसे संगठन में काम कर रहा था जो अधम को धम कह रहा था,
जो मनुष्य मनुष्य में भेदभाव खड़ा कर रहा था, जो न्याय की बात नहीं कर रहा था, अन्याय की बात कर रहा था, जो मंगल मैत्री की बात नहीं कर रहा था, वैर भाव खड़ा कर रहा था, एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के प्रति घृणा पैदा कर रहा था, नफरत पैदा कर रहा था। पर मैंने विपश्यना की, पहली विपश्यना का जो भी नियम था उसका मैंने पालन किया, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। मेरे अंतर्मन में अंतर्मन जग गया मेरा, और मुझे लगा कि मैं आज तक गलत राह पे चल रहा था। मैं जो राह चुना था वो सम्यक मार्ग नहीं था, वो सम्यक राह नहीं था, वो गलत राह था। अभी उसके बाद मेरा आत्ममंथन होता रहा। कई दिनों तक, कई महीनों तक मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। लेकिन जो प्रतिदिन में मुझे जो विद्या सिखाई थी विपश्यना, वो प्रतिदिन मैं सुबह शाम एक घंटा करने लगा। हाँ, कभी कभी शाम को नहीं कर पाता था, लेकिन दिन में एक बार एक घंटा मैंने करना लगा। उसको आज मैं 25-26 साल हो गए मुझे, पहली बार मैंने 98 में गया था, मैं ना 99 में, तो अभी सोचो आज 2024 है तो 25 साल हो गए। तो 25 साल से मैं दैनिक एक घंटे की साधना करता हूँ विपश्यना, और यही मेरा बल है। आज जो लोगों ने अभी जो बातें बताई मेरे लिए, मेरे परिवार ने, मेरे संगी भाइयों बहनों ने, वो मेरा गुणगान नहीं है सर, मेरा गुणगान नहीं है, ये विपश्यना का योगदान है। विपश्यना का जो ज्ञान है वो तथागत बुद्ध ने दिया, तो मेरे लिए तथागत बुद्ध मेरे मार्गदर्शक है, मेरे आदर्श है। और जो जो भी हमारे महामानव तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल रहा, चले और अभी चल रहे हैं, वो सभी मेरे लिए आदर्श है। मैं उन सबको नमन करता हूं। जो नहीं है उन्हें भी नमन करता हूं, और जो आज यहाँ जितने भी मेरे समन भाई बहन बैठे हैं, वो सब तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वो इस समाज पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनका अपना भला है। बुद्ध ने जो बताया सील का मार्ग, समाधि का मार्ग और प्रज्ञा का मार्ग, तो जो भी व्यक्ति वो कोई भी पंथ को मानता हो, कोई भी जाति को, समन संघ तो बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन अगर कोई मानता भी हो तो उन सब के लिए सील वही लाभ देगा जो मुझे देगा, जो सील का पालन करता है उसको देगा। और समाधि यानी कि हम सब लोग कई चीजों पे नियंत्रण कर सकते हैं, पर जो हमारा मन है, जो हमारा मन है उसको वश में करना बहुत मुश्किल है।
तो उसको वश में करने के लिए आपको एक घंटे की समाधि लगानी पड़ती। हर रोज हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते। कई लोग सोचते हैं कि मैं 10 दिन की विपश्यना करके आ गया, अब तो मैं बहुत बड़ा विपश्यी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हम हर रोज स्नान क्यों करते हैं? आज हमने सबने स्नान किया, सुबह में किया ना, और हम स्वच्छ हो गए, स्वच्छ हो गए, शरीर हमारा स्वच्छ हुआ। मन का पता नहीं, मन का तो पता नहीं स्वच्छ हुआ कि नहीं। वो तो हम साबुन से नहाए या कितना भी जल डाले, मन को तो साफ और स्वच्छ करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक दिन से स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होता है तो मन कैसे स्वच्छ हो जाएगा? तो मन को स्वच्छ करने के लिए भी हमें प्रतिदिन हमें साधना करनी है। साधना, और साधना से ही तो साध्य प्राप्त होता है, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। समन संघ का लक्ष्य क्या है? समन संघ का लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्ति करना है, मोक्ष को प्राप्ति करना है क्या? नहीं, ये सब ढगोसले है, ये बातें मत मानो। कोई कहता है कि आपको ये करोगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी, कोई कहेगा कि आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सभी बातें का कोई प्रमाण आज तक किसी ने न दिया न बताया। पर अगर संघ का लक्ष्य सारे लोगों का, सब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियस, पूरे विश्व के लोगों का जो कल्याण का बात सोचता है, मंगल मैत्री की बात सोचता है, उनकी सुखाकारी की बात सोचता है, तो उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तो आप सुखी हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको अपने जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो मुझे समन संघ में आज ये संत की जिम्मेवारी दी है और जो कार्य मुझे सौंपा गया है, मैं इसको कार्य भार नहीं कहूंगा, ये मेरे पे भार नहीं है। जब हम कहते हैं ना कभी कभी कि कार्य भार, तो कार्य वो हमें कभी भार नहीं देता, उसका कोई हमें भार नहीं लगता, कार्य हमें हल्का करता है। जब हम कार्य कर लेते हैं, कोई भी कार्य हमको दिया गया है, संघ ने अगर मुझे कहा गया, संघ से मुझे कोई काम सौंपा गया, कोई भी सौंपे, जब संघ का कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति मुझे कहता है कि आपको यह कार्य करना है, तो उसका मुझे भार नहीं लगेगा, क्योंकि वो कार्य भार, वो कार्य का मैं वहन कर रहा हूं। मैं क्या हूं? उस कार्य का वाहक हूं, उस कार्य का मैं वाहक हूं। और उस कार्य का वहन करने में मुझे शांति प्राप्त होगी, संतुष्टि मिलेगी। कबीर साहब संतों में, सभी संतों को मैं मानता हूं, उन पर श्रद्धा रखता हूं, श्रद्धे ही है मेरे, पर कबीर साहब ने मुझे बहुत प्रभावित किया मेरे जीवन में। उनकी वाणी सुनकर मेरे में काफी परिवर्तन आया है। तो उनकी एक बात है, उनकी जो एक कबीर वाणी है, दोहे बोलते हैं उनको, उसमें कबीर के उसमें बोला, तन को जोगी सब करे,
मन को बिरला कोई, जो हमारे तन है, जो मुझे आज ये एक नया गणवेश पहराया गया उससे मैं कोई परिपूर्ण संपूर्ण योगी नहीं बन जाऊंगा। तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए। जो मन योगी होए, कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वो सिद्धि आपको कब प्राप्त होगी? ये शरीर का भेष बदलने से नहीं होती है, मन को बदलना है, मन को योगी बनाना है, मन को कमिटमेंट देना है, मन से हमें कार्य को सिद्ध करने के लिए काम करना है, रात दिन समर्पण भाव खड़ा करना है। ये कबीर साहब ने कहा है। क्योंकि जो मैंने कहा वैसे कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, भेष तो हम कुछ भी बदल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर मन को जो वश में करना है ये काम कठिन है। और ये मन को वश में करने की विद्या आपको कोई तंत्र मंत्र से नहीं मिलती है सर, आपको ये विद्या सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ने दी है, तथागत बुद्ध ने ही दी है। और उसके लिए वो जो विद्या दी है वो है विपश्यना, विपश्यना विशेष तरीके से देखना है हमें। और ये विपश्यना है, ये हमें मन को वश में करने की विद्या है। बाकी तो सब बोले, कोई कोई कह देता है कि आप माला फेरो, कोई बोलता है 108 बार, कोई इसका नाम लो उसका नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस बात बता रहा हूँ, किसी कोई भगवान कोई देवी कोई देवता का नाम लो, कोई ऐसा मंत्र जो कोई रंकार निकालता है वैसा मंत्र बोलो, पर उससे मन वश में नहीं होता है। मन को वश में करने का मार्ग बुद्ध ने दिखाया, बुद्ध ने बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत की है, बहुत तपे है, तब उनको ये मार्ग मिला, उनको विपश्यना भाव प्राप्त हुई। और ये कोई कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और उसका प्रमाण आज भी बोधि वृक्ष है, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, ये प्रमाण है कि सच्चाई है, ये इतिहास है। तो इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें जो भी काज करना है वो सहजता से करना है। और हम जितने भी संगी यहाँ बैठे हैं, हम संपर्क में जाते हैं, हम लोगों को मिलते हैं, हम हमारे संघ की कार्य पद्धति, संघ के गोल्डन रूल्स ये सब बताते हैं, पर वो असर करता है कि नहीं, वो भी कभी कभी हम लोग को देखना चाहिए। वो असर तब तक नहीं करेगा जब तक आप जो भी बोलते हो वो अपने आचरण में डाला है या नहीं। हम आचरण में नहीं करेंगे तो ये बात लोगों के मन तक पहुंचेगी नहीं, लोग उसको अनुसरण नहीं करेंगे। तो जब भी आप जाते हो तो ये बातें याद रखनी चाहिए। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ संत ज्ञानेश्वर का। संत ज्ञानेश्वर महान ज्ञानी थे, बहुत कम उम्र में, बाल्यावस्था में वो संत बन गए थे, कम उम्र में। एक बार क्या हुआ, एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेके संत के पास आई। संत उस समय पे अपनी कुटिया में
भोजन ले रहे थे, तो उनको बताया गया कि कोई महिला है जो आपको बच्चे के साथ मिलने आई है। संत ज्ञानेश्वर ने बताया कि ठीक है बिठाओ, मैं मिलता हूँ उनको। संत ज्ञानेश्वर के पास महिला ने सवाल किया, नहीं बताया कि ये जो मेरा बच्चा है ये अपच हो गया है, इसको पचन नहीं होता है इसको कुछ, और ये बीमार हो रहता है, कोई इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो ज्ञानेश्वर ने बताया कि भाई ये बच्चा गुड़ क्या गुड़ ज्यादा खाता है क्या? क्या पूछा उसको कि बच्चा गुड़ ज्यादा, बच्चे को पूछा भाई गुड़ ज्यादा खाता है क्या? तो बोले हाँ गुड़ बहुत खाता हूं। फिर सर सोचे, थोड़ा सोचना विचार किया और फिर उस महिला को बोला तू कल आ जाना माता, तू कल आ जाना बच्चे को लेकर। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वो महिला है वो अपने के बच्चे को लेके फिर आ गई। संत महात्मा ने कहा कि बच्चे को थोड़ा बोला कि बेटा तू जा जरा आंगन में जाके खेल ले, थोड़ा तू यहाँ सामने आंगन में मत जा खेल, बाद में आ जाना थोड़े टाइम बाद। फिर महिला को कहा कि बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाना ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है ऐसा बताया। तो बाद में वो महिला बोली कि इतना ही कहना था कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ ज्यादा गुड़ अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, इतना ही कहना था तो कल क्यों नहीं कहा? मुझे एक दिन डिले कर, हेलो हाँ तो आवाज चार्जिंग ना चल रही, तो ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, ऐसे ही बोलूँगा मेरी आवाज। रिकॉर्डिंग तो होगी ना हम। फिर उन्होंने बताया कि कल ही बोल देना था, तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा बच्चे को कि बेटा तू जरा जाके वो बाहर आंगन में खेल ले। बच्चा बाहर चला गया। फिर संत ज्ञानेश्वर ने बताया कि माता ऐसा हुआ था कि कल जब ये बच्चा तो लेकर आई थी तब गुड़ मेरे सामने पड़ा था, गुड़ मेरे सामने ही पड़ा था और उस समय मैं बच्चे को कहता कि बेटा गुड़ मत खाओ, तो बच्चा क्या कहता क्या सोचता बताओ, कि खुद तो गुड़ लेके बैठा है, खुद तो गुड़ खा रहा है और मुझे बता रहा है गुड़ मत खाना, तो उसकी असर नहीं होती। क्या कहा संत ने, क्या कहा कि उसकी बच्चे पे असर नहीं होती, बच्चा गुड़ खाना बंद नहीं करता, इसीलिए मैंने ऐसा कहीं कहा। तो महिला भी उनके सामने वंदन करके नमन करने के बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मैंने जो नहीं कहना था ऐसे शब्द आपके सामने प्रयोग किए। तो ये जो बात है सर, ये जो बात है, ये बात हमें अपने आचरण में डालनी है। अगर हम जब लोगों के बीच जाते हैं,
हम लोगों को कुछ बताते हैं तो वो लोग हमारे सामने देखेंगे, सिर्फ हमारा आज ही नहीं देखेंगे, हमारा पिछड़ा भी देखेंगे, तो वो देखेंगे और सोचेंगे कि खुद तो कैसा है और यह हमको तो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बहुत दे रहा है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये आचरण में डालना है हमें, हमारा जीवन है, संघ जीवन हमारा जो है ये आचरण में डालना है। दूसरी बात है कि संघ है वो नेतृत्व कर रहा है, संघ किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति का, किसी एक समुदाय का नेतृत्व नहीं कर रहा, संघ पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। संघ के नियम है ये प्राकृतिक नियम है, कुदरत के कानून है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति को, एक जाति समुदाय को, एक प्रदेश को नहीं लागू पड़ता, ये समग्र विश्व को लागू पड़ता है। समग्र विश्व को संघ के नियम लागू पड़ते हैं और इसीलिए इसे संघ कहते हैं, और इसीलिए संघ ही एक मार्ग है जो समग्र सृष्टि के प्राणी मात्र के लिए सुख और शांति का मार्ग है। यहीं से हमको सुख और शांति मिलेगा, और हर संगी के अंदर एक नियम, एक गुण होना चाहिए। अगर हमें संघ को बढ़ाना है, हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि जो सही लीडर होता है वो क्या होगा, किसको आप लीडर कहोगे, वो ऐसा होता है कि सही जो नेतृत्व करता है, जो संगठक है, जो संघ में जो संगठक का कार्य करता है, वो हुक्म नहीं चलाता, वो हमारे साथी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं कहता तुम जाओ वो करो, तुम उधर चलो, तुम उधर जाओ, इतना करो, ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है, आओ हम उस कार्य को करते हैं, आओ हम चलते हैं। तो क्या होगा, वो जो भी हमारा साथी कार्यकर्ता होगा या होने वाला होगा वो आपके साथ चलेगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं अंग्रेजी में कि गो, तो ये गो नहीं बोलना है, लेट अस गो, क्या बोलना है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, अरे भाई हसमुख भाई यू गो, तो हसमुख भाई बोलते हैं तू कौन होगा मेरे को भेजने वाला, मैं क्यों चलूंगा है? तो फिर रामचंद्र जी को बोलूंगा, मैं बोलूंगा रामचंद्र जी लेट अस गो, तो रामचंद्र जी बोला यार रतिलाल जी चल रहे तो चलो हम उनके साथ चलते, लेट अस गो बोला, क्या बोला। तो ये गुण है सर, ये हमारे संबंध संघ के हर कार्यकर्ता में ये गुण होना चाहिए, और जिस दिन ये गुण हमारे में आ जाएंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग 100% आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्य है संघ का कार्य है वो आओ हम मिलकर कार्य करें, जुड़ना है, जोड़ना है, ये कार्य है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिलकर काम करना है। अगर जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो उसका जो यश लेना है ना वो हमें नहीं लेना है, हमारे साथी कार्यकर्ता को देना है। किसको देना है, साथी कार्यकर्ता को, कि इनके इन्होंने किया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग संघ का कार्य बढ़ाना चाहते हैं और सबको साथ में लेके काम करते हैं, पर जब रिपोर्टिंग करते हैं, अहवाल रखते हैं, तब मैंने ये किया। इसीलिए समन संघ ने क्या सिंबल, हमारा सिंबल क्या है, वी
एवी में सब आ जाता है, यानी कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे आपने अकेले ही किया है, लेकिन क्रेडिट किसको देनी है? वी को, सबको। ये समन संघ ये कहता है। आगे मैं बात कर रहा हूं कि तथागत बुद्ध ने सनातन धर्म की जो परिभाषा की है उसका एक, क्योंकि कटके सर तो हमारे जब भी होते हैं तब कोट करते रहते हैं उनके पास, इतना तो मेरे पास भी ज्ञान नहीं है, लेकिन कटके सर हर चीज़ में बुद्ध को और बाबा साहब को कोट करते हैं प्रमाण के साथ। और ये भी हमारा एक गुण होना चाहिए कि हमें जब भी कहीं कुछ बात करते हैं तो उसका प्रमाण रखना है, तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा कहा है, नहीं वेरन वेरानी संबंधित कुदाचन अवेरन व संबंधी एस धम्मो सनातनो। इसका अर्थ ऐसा है कि वैर से वैर, शत्रुता शांत नहीं होती, अवैर मित्रता, अवैर यानी मित्रता से शांत होती है, यही सनातन धर्म है। जो आजकल आपने सनातन धर्म, कोई उसके पक्षकार है, कोई उसके विरोध में बोलते हैं, कोई बोलते हैं वो अपना, जैसे एक मार्केटिंग फंडा होता है ना, उसमें समय समय पे नाम बदल देते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर सर्फ है, तो पहले सर्फ आया, फिर कुछ समय के बाद न्यू सर्फ, और उसके बाद कुछ समय के बाद आया न्यू एक्स्ट्रा सर्फ, न्यू डबल सर्फ, कुछ ना कुछ जोड़ो, तो लोग बोले ये नया आया है। हमारी माताएं बहनें क्या सोची, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, पहले सर्फ था वो अच्छा नहीं था, अब ये न्यू सर्फ आया ये अजमाओ, ये तो अच्छा है। तो उसी तरह जो कुछ लोग हैं जो हमें भ्रमित करने के लिए पहले कुछ और नाम का उपयोग करते थे कि फलाना धर्म, दिखना धर्म, ठीक है, तो उसको अभी उन्होंने नाम बदल दिया, सनातन डाल दिया, क्योंकि वो जो पहले उनका जो नाम था वो तो सबको पता चल गया, उसका तो भेद खुल गया है कि ये क्या है, ये धर्म नहीं अधम है, ये असमानता का बात करता है, भेदभाव की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, एक दूसरे के साथ अन्याय की बात करता है, ये धर्म कैसे हो सकता है, ये सबको पता चल गया। तो अभी उन्होंने कौन सा शब्द लाए, सनातन। अभी ये सनातन जितने तक चल जाए चल जाए, पर सनातन शब्द का हमें विरोध नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि सनातन है वो शब्द भी हमारा दिया हुआ है। हमारे जो सुधीर दास सर है ना, वो उनके कॉन्सेप्ट में बताते रहते हैं कि जो कुछ भी है, जो त्यौहार है, जो कुछ शब्द है, वो सब हमारे लिए हुए हैं। यहाँ तक कि ये जो संस्कृत भाषा बोल रहे हैं ना, संस्कृत भाषा, वो भी हमारी भारत की भाषा पाली से संस्कारित की गई है, उन्होंने संस्कारित कर दी और उसको नाम दे दिया संस्कृत। संस्कृत यानी कि संस्कारित की हुई बात, भाषा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है, समझना है, और हमें बहुत ही कुशलता से कार्य करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आगे जो बात है, एक बहुत अच्छे कवि हो गए जो जिन्होंने एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कई किताबें लिखी, कई उन्होंने वो कहा, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने सामान्य गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा है वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि संघ के लिए बहुत ही अप्लाइड है। जीवन का वास्तविक सुख क्या है? दूसरों को सुख देने में है। उन्होंने कहा कि जीवन का वास्तविक सुख क्या है? दूसरों को सुख देने में। अगर मैं अपने को तो सुखी करूं
मैं तो सब साधन संपन्न हो जाऊं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन जो दुखी है, दो टाइम की रोटी नहीं मिलती उनको, तो उनके लिए क्या? तो इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि सच्चा सुख, जीवन का वास्तविक सुख दुखों को सुखी करने में है, उसका दुख सुख छीनने में नहीं है, उसका सुख छीनने में नहीं है। और इसीलिए जब हमारे समन संगी समाज के बीच में कार्य करेंगे, यहाँ तक कि हम संघ में भी कार्य करेंगे हमारे, तो उस समय पे कभी कभी हमारा उपहास, हमारा विरोध किया जाएगा, कोई हमारा उपहास भी उड़ाएंगे, कोई हमारा विरोध भी करेंगे, लेकिन किसी भी सुधारक के लिए जो समाज में कुछ सुधार लाना चाहता है, जो बदलाव लाना चाहता है, जो हमारे संघ को, जो पुरातन संघ है हमारा, और पुरातन संघ में जो हमारा समन शब्द था या जो समन संघ था उसको लाने की कोशिश कर रहा है, उसको लोगों को दे रहा है कि ये हमारा सही सच्ची संस्कृति, हमारी समन संस्कृति है, ये जब बता रहा है तो कई लोग हमारी बात को जुठलाने की कोशिश करेंगे, उफास उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, तो इससे आपको हतोत्साह नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, ये हमारे लिए पुरस्कार है, ऐसा सोचना है, ये पुरस्कार है हमारे लिए, क्योंकि हम जो कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। एक और भी अच्छे कवि हो गए, उन्होंने लिखा है गुजराती में, गुजरात के वो बड़े मशहूर कवि थे, उन्होंने बताया है कि सत्य, गुजराती में बोलता हूँ उसका, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, गुजराती में बोलते हैं, सत्यनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जोने। एटले जो सत्य का मार्ग है वो किसी एरे गेरे नट्ठू खेरे का नहीं है, संघ का जो कार्य है वो ऐसे वैसे आदमी नहीं कर सकते हैं, जिसको नाम चाहिए, दाम चाहिए, नेम और फेम के लिए जो काम करते हैं वो लोग संघ का कार्य नहीं कर सकते, वो हर रोज कमिटमेंट, हर रोज रात को 8 से 10:30 बजे तक बैठना, पोर्टल चलाना, हमारे परिहार सर देखो, मैं जब से जुड़ा हूँ तब से आज तक हर रोज पोर्टल संभालते हैं, दूसरे भी संभालते हैं, पर उनकी जिम्मेवारी हो या ना हो आप पीछे बैठे रहते हैं, और जब भी वो संकट समय आता है तो परिहार सर हाँ आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं शांत, और परिहार सर का कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका इतना, और अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाता तो वाद विवाद में नहीं पड़ते। बुद्ध ने भी कहा है हमें कि वाद विवाद मत करो, जब भी जो भी आपको करना है वो शांत से अपना काम करते रहो। तो ऐसे है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, वैसे सुधीर राज सर ने मुझे बोला था कि आपके लिए कोई समय मर्यादा नहीं है, आप जितना बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि आप आज अभी से संत हो गए हो, लेकिन मैं संत तो हो गया हूँ, लेकिन मैं संगी हूँ, मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे संत आपने ही बनाया है, मैं संत नहीं बना हूँ, संत आपने बनाया है, और ये समन संत है उसको इज्जत देना, मान देना, सम्मान देना वो आपके जिम्मे है, पर मैं अपने आप को संगी मानता हूं, मैं संघ के बीच में काम करूंगा। हाँ कुछ मर्यादाएं जो है समन संत की वो मुझे निभानी है, क्योंकि मैं जो भी करूंगा
आज तक मैं करता था, जहां भी जाता था, जिससे भी बात करता था, तब मैं एक समन का समन संघ का एक कार्य करता था या स्पोक्स था। क्या था? मैं स्पोक्स था, प्रचारक था, प्रवक्ता था। लेकिन अभी जब भी मैं कहीं भी बात करूंगा तो आप तो जानते हो कि मैं संघीय हूं, मैं स्पोक हूं, पर जो पब्लिक के बीच में जब मैं बात करता हूं तो वो तो ऐसे सोचता है ये समन संत है, ये जो बात कर रहा है, जो आया है वो कौन है? समन संत है। तो उस समय पे मुझे ये ध्यान में रखना है कि मुझे उनके सामने मुझे जब भी पेश करना है तो समन संत बनके पेश करना है। और इसीलिए कुछ मर्यादाएं आज सुबह में बताई गई कि हमें कहीं भी चले नहीं जाना है, किसी भी कार्यक्रम में पहुंच नहीं जाना है, क्योंकि अगर वहां पे अगर गलती से भी किसी ने अपमान हो गया तो वो रतिलाल देसाई का समन रतिलाल देसाई का नहीं हुआ, वो समन संत का हुआ। तो मेरे साथ पूरे समन संघ का नाम जुड़ा है तो उसे भी मुझे संभालना है, देखना है और उसी तरह मुझे आगे बढ़ना है। मैं अभी आखिरी बात करने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि जब बीच में मेरा स्वास्थ्य गिर गया था, एलोपैथी के डॉक्टरों ने अपना हाथ उठा लिया कि बोले अभी आपका वाल इतना नैरो हो गया है कि आपका एक वाल जो रिप्लेस किया हो तो सही काम कर रहा है, पर अभी जो ये आपका एरोटिक वाल जो है वो अभी बिल्कुल नैरो हो गया और इसको इमीडिएटली नहीं बदला तो आपका हार्ट कभी भी बैठ सकता है, अटैक नहीं आएगा, बोले बोला आपको आपका हार्ट फेल हो जाएगा आप कभी भी, और ये वाल आपको इमीडिएटली बदलना पड़ेगा, अभी समय नहीं है, अभी तक आपने खींच लिया अभी तो बिल्कुल नैरो, ये ब्लड बड़ी मुश्किल से इसलिए आपको इतना बड़ा पेन होता है। तो जब इन्होंने ये बात बताया तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे पुराना अनुभव अच्छा नहीं था, 3 बार इन्होंने किया था तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन करके, तो मैंने तो ठान लिया थी कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। और ये बातें मेरे अपने साथी जो अरविंद भाई है, किशोर भाई, ये सबसे बात होती रहती थी कभी कभी मैं वहाँ था तो उनको पता चल गया, जैसे वो बात हमारे संघ के तक पहुँच गई, संघ के साथ पहुंची। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि संघ क्या चीज़ है, संघ क्या है, ये यहाँ बैठे सब लोग समझ लीजिए। जैसे ही ये बात संघ तक पहुंची, संघ के सभी मेरे भाई बहन चिंता करने लगे, और सिर्फ चिंता करना, सिर्फ दुख जताना सबकी बात है, पर यहाँ तक कि हमारे जो यहाँ अभी डॉक्टर साहब आए हैं, कहाँ गए हो? हाँ, वो डॉक्टर रमेश चंद्र साहब आए हैं, फिर डॉक्टर उमराव साहब तो आज नहीं आ पाए, उनका बहुत उम्र है उनकी, वो सब ने वहाँ डिसाइड किया और संघ ने डिसाइड कर लिया कि अपने जो समन है रतिलाल उनको हम लखनऊ भेजें, उनकी ट्रीटमेंट लखनऊ में की जाए। ये हमारे जो बड़ौदा के किशोर भाई और अरविंद भाई आए, उन्होंने बताया कि आपके लिए यहाँ तक डिसीजन हुआ है। अब बताइए, इतना बड़ा परिवार जिसके पीछे हो उसको कुछ क्या हो सकता है? इतने बड़े संघ की जब मैत्री हो आपके साथ उसको क्या हो सकता है? और सही में उमराव सर ने मुझे तुरंत ही बात की, हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कुदरती उपचार शुरू करवा दिया, और उसका परिणाम ये देख रहा हूँ मैं कि मुझे अभी काफ़ी सुधार हो रहा है, और ये जो सुधार हो रहा है वो सिर्फ दवाई से नहीं हो रहा है सर, दवाई से नहीं हो रहा, आप सबकी दुआ भी है, दवाई के साथ आप सबकी दुआ काम कर रही है। मेरे जो साथी मित्र है जो बड़ौदा में है, वो सभी, कोई मेरे लिए दवाई लेके आया, कोई मेरे लिए वो कटी स्नान के लिए तब लेने के लिए जा रहा है डॉक्टर साहब, कोई मेरे लिए ये बोल रहा है, कोई मेरे लिए वो जो आयुर्वेदिक दवाई है, हमारे जनक भाई मेरे परम मित्र है, उन्होंने वहाँ से मेरी दवाई लेके आ गए,
हरनी से दंतेश्वर, तो देखो ये सब लोग लग गए मेरे पीछे। तो इससे क्या होता है कि मेरा मेरे को जो मैत्री मिली सबकी, उससे मेरे सिन्हा साहब एक दोस्त एयरफोर्स के, उन्होंने गूगल में इधर सर्च किया क्या क्या कहाँ कहाँ ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन से कान सब आपका ऑपरेशन हो सकता है। तो सिन्हा साहब ने बोला कहीं आंध्रा में एक डॉक्टर है, एक उधर डॉक्टर है जो बिना ऑपरेशन से ऑपरेशन कर सकता। सिन्हा साहब है कि कहाँ है, कहाँ बैठे? हाँ, तो सिन्हा साहब ने बताओ मेरे लिए इतनी सारी खोजबीन की और बताया कि ऐसा करना है। तो ये क्या है बताइए, ये संघ है, ये संघ का प्रेम है, और ये हमारा संघ, ये जो यहाँ बैठा है ये मेरा संघ परिवार है। अब आप बताइए, मेरी कोई बहन बंबई से आई है, कोई नागपुर से आए है, कोई मेरे मित्र पंजाब से आए हैं, कोई मेरे मित्र लखनऊ से आए हैं, यूपी से आए हैं, कोई एमपी से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, ठीक है कि नहीं? ये सारे लोग, इतने सारे लोग क्यों आए यहाँ, किस लिए आए हैं? इसलिए तो थोड़े आए कि भाई चलो आज एक हमारा रतिलाल देसाई, समन रतिलाल देसाई है, उनका संत का संस्कार हो रहा है। नहीं, वो इसलिए आए कि हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमारे परिवार का, संघ परिवार का एक साथी कार्यकर है, उसको आज समन संघ ने रिकॉग्नाइज किया, उसको एक पहचान दी है, ये संघ ने मुझे एक पहचान दी है, ये पहचान दी कि भाई रतिलाल देसाई संत है। और अगर मैं चला जाता, सोच लो मैं चला जाता, बाद में हो सकता है ऐसे ही एक बड़ी सभा भर होती है, श्रद्धांजलि सभा या कुछ भी कहो है, और वहाँ पर फिर सब लोग आके मेरे लिए कई बातें करते, कई प्रवचन करते हैं, क्या मैं सुनने आता क्या? मैं सुनने आता क्या? क्या कोई ने आज तक चला गया हो वापिस आके सुना है किसी ने? कोई प्रमाण हो तो बताइए। लेकिन आज जब मैं ये सब सुन रहा था, मेरा हृदय भर गया था। मैं भी नहीं जानता था कि मेरे में, मैं तो आज तक ऐसे जानता था कि मैं बहुत ही एग्रेसिव हूँ, मैं तो सबसे लड़ाऊ सबको, मैं तो यहाँ हमारे जो साथी मित्र अरविंद भाई है, किशोर भाई है, उनको भी पूछो, कभी कभी उनको भी मैं छोटी डांट दे, प्यार से देता हूँ, डांट देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों किया, वैसा नहीं कर, ऐसा करो वैसा करो। कभी कभी ये इधर उधर चले जाते तो कभी कभी वहाँ वाद विवाद खड़े होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि वाद विवाद में क्यों पढ़ते हो, वहाँ से दूर ही रहो, क्योंकि हमें जोड़ना है। अगर ऐसे हम चले जाएंगे टूटना थोड़ा है हमें, तो जहाँ हो सके वहाँ वाद विवाद में नहीं पढ़ना। हमको बुद्ध ने भी ये सिखाया हमको कि जब भी कई लोग आते थे बुद्ध के पास, तो तथागत बुद्ध है तो कुछ ऐसे प्रश्न करते थे तो वो उसका अनुत्तर ही देते थे, उत्तर नहीं देते थे, उसको आगे नहीं बढ़ाते थे। तो ये जो हमारी चीज़ है वो हमें समझना है सर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आज आपको सबको एश्योर कर रहा हूँ, इस संकल्प भूमि बड़ौदा से मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं पूरे भारत का जिम्मेवारी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी उम्र हो गई, मेरे स्वास्थ्य भी इतना साथ नहीं है, लेकिन गुजरात के हर जिले में, हर तहसील में समन संघ नहीं पहुंच जाएगा, समन संघ का कोई कार्यकर्ता वहां खड़ा नहीं होगा। और मैं अपने बलबूटे पे नहीं कह रहा हूं, समझ लो आप, ये समन रतिलाल देसाई नहीं कह रहा है, ये बड़ौदा का जो कार्यकर्ता है, गुजरात के जो, जब अवधेश कुमार जी हमारे अहमदाबाद मेहसाना से आए हैं, मुकेश भैया जो हमारे आंबेडकर भवन के अपने बड़ौदा के वहाँ के वो ट्रस्टी है, और अच्छे अच्छे हमारे लिए बच्चों के कंपटीशन एग्जाम इसके उसके वर्क खड़े करते हैं, ऐसे लोग हमारे, उस सबके बलबूते पे कह रहा हूँ सर मैं। आज जो मेरे सामने खड़े हैं मेरे साथी भाई, उन सबके बलबूते पे कह रहा हूँ कि हम गुजरात के जिले में, हर तहसील में एक साल के अंदर काम पहुँचा देंगे, और
एक साल तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, आगे भी अगर आपकी मैत्री मिली, प्रेम मिला, तो मैं आगे भी कुछ नहीं होने वाला मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं, उससे मेरी बैटरी चार्ज होती रहती है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती मेरी, क्योंकि मैं बजी रहता हूँ। बात सुनिए, एक बात ये नॉर्मल बता रहा हूँ कि हम लोग जब कार्य में बजी रहते हैं, और अपने लिए तो सब लोग काम करते हैं, घर के लिए तो सब दौड़ धूप करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए काम करते हो तो आप सोचो। और उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि बाबा साहब ने क्या बलिदान दे दिया हमारे लिए, बाबा साहब ने क्या नहीं त्याग किया, अपने परिवार की भी बलि चढ़ा दी उन्होंने, और आखिरी में उनका स्वास्थ्य भी लुटक गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, पर फिर भी आखिरी रात को भी वो जो उनका किताब लिखने का काम था वो पूरा किया। और बाकी भी महान संत हो गए, महान हमारे महान पुरुष हो गए, महामानव हो गए, माताएं हो गई, सावित्रीबाई फुले ने क्या नहीं किया, सबने किया, और सबने किया, लेकिन बाबा साहब ने जो काम एक किया है वो मुझे इसलिए आज अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब का काम है उन्होंने लिखित में कर दिया, उन्होंने वॉल्यूम लिख दिए, जो किताबें लिख दी, जो वॉल्यूम लिख दिए, वो पूरे दुनिया में पहुंच गई, और दुनिया ने बाबा साहब को नॉलेज, मैन ऑफ द नॉलेज है ना, विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज ये बता के दिया ना, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने जो किताबें लिखी है वो हमारे चंद्र साहब बार बार बोलते किताब पढ़िए किताब पढ़िए, पर हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग है तो इधर उधर की बात में टाइम पसार करते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद समन संघ का, और आप सब ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेदारी का मैं वहन कर सकूं, उसकी शक्ति भी आपको देनी है, और आप ही से मुझे वो शक्ति मिलेगी। मैं आप सबको नमन करता हूं, और मेरी बातों में अगर कोई गलती रह गई हो या कुछ ऐसी बात आ गई हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे या दुख पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। साधु साधु साधु। अभी सवन संत जो सवन संकत है उसकी तरफ से सम्माननीय वंदनीय हमारे सवन संत जिला देसाई सर को घोषणा पत्र हम देने जा रहे हैं, घोषणा पत्र की वो ऑफिशियली लेटर देकर वो समन संत ऐसा वो लेटर हम दे देंगे। मैं सुधीराज सिंह सर परिवार सर और सीनियर साथी आए आपके गुजरात से, सुधीराज सर आ गए आप सर, आपके फैमिली आपके बच्चों आ जाओ, जरूर शीतल तू आया, आइए सर अरुणा तू आई, बस यही ऊपर हो, बता नहीं ऊपर हो साइड में, इधर देखो आया ऊपर जो हम अभी इसके बाद ये समन्त घोषणा पत्र हम दिए जा रहे हैं उनको कि वो आज से ऑफिशियली समन संत है। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद समन संघ की ओर से, साधु 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 साधु। इसके बाद भोजन का जो समय है तो मैं हमारे बीच में जो सबसे सीनियर है और हमारे संत है माननीय रतिलाल देसाई सर को कहूँगा कि पहले आप संत, चूंकि संत भोजन अलग करते हैं और सबसे पहले बच्चे भोजन करेंगे, फिर महिलाएं करेंगी, लाइन में लगेंगी, उसके बाद भोजन लगेंगे, उसके बाद में जो यंग है वो बाद में खाना खाएंगे, ऐसा समय संघ का नियम है। और जो लोग फोटो कराना चाहें संत के साथ में वो दूर बना के फोटो कर सकते हैं, खाना भी खाते रहे और उनको खाना भी खा सकते। संगन नमामि समर संघ होटल लेना आजा सर। बुद्धं सर्वे।